हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक व्हिच इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ। आफ्टर वी मूव टुवर्ड द किरचॉफ सेकंड लॉ। दीज आर टू लॉज सो मच इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, इन 12th क्लास फिजिक्स। दीज लॉज आर सो मच इंपॉर्टेंट। टुडे डिस्कस दीज लॉ ब्रीफली एंड एक्सप्लेन ईच कंसेप्ट ऑफ दिस लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ। It states that the sum of all current meeting at a point in a circuit is equal to zero. जितना भी current flow कर रहा होता है किसी भी circuit में, तो उसका उसका sum, जितना भी current flow कर रहा हो, all current का sum is equal to zero होता है। ठीक है dear student, मैं figure से थोड़ा explain करता चलूँ। मैं इस चीज को mathematically form में लिखता चलूँ पहले। It states that sum of all current meeting at a point in a circuit is equal to zero. इस चीज को मैं पहले लिखता चलूँ मैथमेटिकली फॉर्म में। सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। जितना भी करंट फ्लो कर रहा होगा किसी भी सर्किट में, किरचॉफ फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जितना भी करंट चाहे जितना भी हो, जहां से मर्जी आ रहा हो, जितना भी हो, सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन में मैथमेटिकल फॉर्म इसकी आ गई। तो अब मैं फिगर से एक्सप्लेन करते चलूं इसको। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को ये शॉर्ट है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, एंड किरचॉफ सेकंड लॉ इज सो मच इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। जहां भी देखते चलें, जहां भी आप जाएंगे, जिस फील्ड में जाएंगे, चाहे आप बीएस करने जाते हैं, जहां भी जाएंगे, उसका कंसेप्ट आपने अच्छे से ले लिया। आज मैं उसमें दो न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर वो क्लियर हो गए आपको, तो आप दुनिया जान में जो भी न्यूमेरिकल आ जाए, किसी किस्म के न्यूमेरिकल आ जाए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जहां पर लगाना है, किरचॉफ सेकंड लॉ लगाना है। ज्यादातर फर्स्ट लॉ यूज नहीं होता, यूज होता है, लेकिन एज कंपेयर टू सेकंड लॉ, सेकंड लॉ बहुत ज्यादा यूज होता है। सेकंड लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं उसके दो न्यूमेरिकल भी कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, और किरचॉफ सेकंड लॉ का कंसेप्ट भी दूंगा इसी वीडियो में, इसी वीडियो लेक्चर में। तो अब मैं इसको फिगर से एक्सप्लेन करता चलूं। सम ऑफ ऑल करंट फ्लोइंग, इसको इसकी एक और डेफिनेशन है करंट फ्लोइंग, मैं लिखता चलूं। करंट फ्लोइंग टुवर्ड द पॉइंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। करंट फ्लोइंग टुवर्ड द पॉइंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। ये हमने यहां पे पॉइंट लिया एक, जिसको मैंने पॉइंट ए का नाम दिया है। इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, करंट इधर से आ रहा है, ये तीरों की डायरेक्शन, एरो की डायरेक्शन आपको बता रही है कि करंट I1 इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, करंट I1 I2 आ रहा है, और करंट I3 I4 जा रहा है, जो हमारे पास इस चीज से मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास आती है। तो इस मैथमेटिकल फॉर्म में यहां पर लिखता चलूं, I1 प्लस I2 इज एग्जैक्टली इक्वल टू I3 प्लस आई फोर। ये चीज मैंने जो लिखी है, करंट फ्लोइंग टूवर्ड द पॉइंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। करंट जो इस तरफ आ रहा है, मीन्स के पॉइंट की तरफ जो करंट आ रहा है, तो वो पॉजिटिव होगा। जो करंट फ्लो अवे फ्रॉम द पॉइंट जा रहा है, वो नेगेटिव होगा। तो ये चीज टीचर्स बताते हैं, डिफरेंट टीचर्स बताते हैं कि करंट फ्लोइंग टूवर्ड द पॉइंट पॉजिटिव होगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट नेगेटिव होगा, लेकिन ये चीज नहीं होती। होती है कुछ हद तक, उनकी बात ठीक है, लेकिन मैं उनकी बात से इतफाक नहीं करता। मैं इस बात से इतफाक करता हूं कि करंट फ्लोइंग टुवर्ड द पॉइंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। आई वन प्लस आई टू इज, ये इस साइड पे आ जाएगा ना, माइनस इंटू आई थ्री माइनस इंटू आई फोर।
इज इक्वल टू जीरो, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है किरचॉफ फर्स्ट लॉ की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आई वन प्लस आई टू माइनस आई थ्री माइनस आई फोर, यहाँ पे माइनस लगाते हैं और यहाँ पे प्लस, ठीक है, उधर से आया ना माइनस, अंदर लगेगा प्लस बाय। तो सम करंट फ्लोइंग टुवर्ड द पॉइंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम, बस इतना कुछ लॉ है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इतना कुछ है बस जितना आप बोर्ड पे देख रहे हैं। इसकी इतनी मैथमेटिकल फॉर्म में, इतनी गहराई में ना आ जाए, ठीक है, गहराई में ना जाए तो बेहतर है। 12th क्लास के आप स्टूडेंट है, हाई लेवल पे तो थोड़ा इसको डिटेल में जाया जाता है, लेकिन आप अभी यहां तक ही रखें, जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है इतना भी आप पेपर में लिखा है ना तो आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं शॉर्ट में आए तो। अगर लॉन्ग में आए तो उसको थोड़ा डिटेल में और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा है ना करंट फ्लोइंग टू वर्ड पॉइंट, इसी चीज को ही आपने एक्सप्लेन करना है भाई, किधर से करंट आ रहा है, किस पॉइंट पे आ रहा है, किधर किधर जा रहा है, किस साइड पे जा रहा है, ठीक है, इस चीज को आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। ये हो गया हमारे पास किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ये मैं रब करता हूं। अब मूव करते हैं हम किरचॉफ सेकंड लॉ की तरफ, और किरचॉफ सेकंड लॉ की तरफ मूव करने के बाद उसमें हम न्यूमेरिकल भी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, जिनमें हम बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। ये मैं रब करके मूव करता हूं स्टूडेंट्स, मैंने किरचॉफ फर्स्ट लॉ रब कर दिया है, और किरचॉफ फर्स्ट लॉ में एक चीज हमारे पास रह गई थी, हम किरचॉफ सेकंड लॉ भी स्टार्ट करने लगे हैं। उससे पहले मैं वो चीज डिस्कस कर लूं आप लोगों के साथ जो रह गई थी, किरचॉफ फर्स्ट लॉ में हमारे पास रह गई थी, हमारे पास हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ को ना पॉइंट, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ था बुलेट में, वो पॉइंट ये था कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं, और किरचॉफ फर्स्ट लॉ को किरचॉफ पॉइंट लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ को किरचॉफ पॉइंट लॉ भी कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। वो चीज किस चीज को एक्सप्लेन कर रही थी, कि चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन कर रही थी। वो क्या है, देयर इज नो सोर्स और सिंक बट द टोटल चार्ज कैन बी मूविंग टुवर्ड द पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल चार्ज मूविंग अवे फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। जो पॉइंट की तरफ आ रहा था चार्ज, जो पॉइंट की तरफ से जा रहा था, एक पॉइंट की तरफ आ रहा है, एक पॉइंट की तरफ जा रहा है, जो पॉइंट है कुछ इधर से आ रहा था, कुछ इस साइड पे जा रहा था, तो टोटल चार्ज जो है ना वो इक्वल टू कोई उसके इक्वल टू जीरो होगा, टोटल चार्ज जो आ रहा है जो जा रहा है, ठीक है, इक्वल हो गया। तो अब हम सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ की तरह मूव करने होने लगे हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है, उसके मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन योर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज चेंज इन अ क्लोज सर्किट और लूप इज इक्वल टू जीरो। क्लोज सर्किट और लूप में, ये हमारे पास क्लोज सर्किट है, क्लोज लूप है, क्लोज लूप, क्लोज सर्किट और क्लोज लूप में हमारे पास अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज चेंज इन अ क्लोज सर्किट और लूप इज इक्वल टू जीरो। क्लोज लूप में हमारे पास अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज चेंज, वोल्टेज चेंज का जो अलजेब्रिक सम होगा इज इक्वल टू जीरो। इस चीज को मैं, ये जो मैंने लिखी थी पहले, मैंने जो फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन की थी, सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इन सर्किट इज इक्वल टू जीरो, तो सम ऑफ ऑल करंट को किया था। अब है हमारे पास अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज चेंज, सम ऑफ वोल्टेज चेंज इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, सम ऑफ वोल्टेज चेंज इज इक्वल टू जीरो। अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज चेंज इन अ सर्किट और लूप, किसी भी सर्किट में लूप में वोल्टेज चेंज है, अलजेब्रिक सम इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। और एक और चीज मैं बैटरी की एक्सप्लेन करता चलूं, ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास सोर्स, सोर्स जिससे हमारे पास सोर्स है, कोई कोई ना कोई जो चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, करंट प्रोड्यूस कर रहा है, ये सोर्स है, ये भी सोर्स है। इनमें दोनों में डिफरेंस, इसकी डंडी छोटी है, इसकी डंडी बड़ी है, तो ये छोटी नेगेटिव होती है, बड़ी पॉजिटिव होती है। जब हमारे पास छोटी से बड़ी की तरफ होगा तो पॉजिटिव होगा, जो हम लेंगे छोटी से बड़ी की तरफ वो पॉजिटिव लेंगे करंट को, जो बड़ी से छोटी की तरफ होगा वो हम हमेशा नेगेटिव लेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास ये सर्किट है, इसमें दो सोर्स लगी हुई है, ई वन है, ई टू, दो रेजिस्टर लगी हुई है, आई वन, आर आर वन और आर टू, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और करंट आई फ्लो कर रहा है, आई वन कह दें, आई कह दें, ये सारे सर्किट फ्लो कर रहा है। अब यहां पे मैं नीचे एक्सप्लेन करता हूं इसकी जो डेरिवेशन होगी, जिसपे मैं इस सर्किट में मैं किरचॉफ वोल्टेज या सेकंड लॉ लगाता हूं, तो इसकी जो डेरिवेशन बनेगी वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गई, ई वन डेल क्यू जो चार्ज हमारे पास फ्लो कर रहा है,
यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जब रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस अ पोजीशन ऑफर्ड बाय द फ्लो ऑफ करंट, अ पोजीशन ऑफर्ड बाय द फ्लो ऑफ करंट, करंट में रुकावट, रुकावट करंट में रुकावट का नाम ही रेजिस्टेंस है। डिफरेंट जगह पे हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, घरों में लगाते हैं, डिफरेंट सर्किट में यूज होती है रेजिस्टेंस। क्यों यूज होती है, जब करंट स्पीड ज्यादा आ रहा होता है, ज्यादा मात्रा में करंट हो रहा है, करंट को रोकने के लिए, करंट को कंट्रोल करने के लिए हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो रेजिस्टेंस माइनस I1 R1, ये कैसे आया I1 R1, ये ऐसे आया I, इसको मैंने I1 कह दिया ना, I1 करंट फ्लो कर रहा है। तो I1 R1 कैसे आया, आपने ओम लॉ पढ़ा था, यहां पे लिखता हूं, ये चीज ओम लॉ की, ओम लॉ पढ़ा था V इज इक्वल आई आर। यहां से हमारे पास हम वोल्टेज काउंट कर रहे हैं ना, क्लोज रूप में वोल्टेज काउंट कर रहे हैं, तो E1 डेल Q माइनस I1 R1 डेल Q माइनस पॉजिटिव से नेगेटिव है। अब पॉजिटिव से नेगेटिव यहां पे देखेंगे हम, पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव आएगा, माइनस E2 डेल Q नेक्स्ट, मैं इस रेजिस्टेंस पे पहुंचाऊंगा, अब यहां से चलता होगा इस रेस्ट पे पहुंचाऊ तो माइनस आई वन आर टू डेल क्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, ई वन डेल क्यू माइनस आई वन आर वन डेल क्यू माइनस ई टू डेल क्यू माइनस आई वन आर टू डेल क्यू इज इक्वल टू जीरो। ये अल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज, मैंने इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड की ई वन डेल क्यू, मैंने इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड की माइनस I1 R1 del Q, मैंने इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड की तो माइनस E2 del Q, मैंने इसके अक्रॉस जब मैंने वोल्टेज फाइंड की तो ये हमारे पास वोल्टेज आई। तो मैंने अल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज चेंज को वोल्टेज चेंज का सम ले लिया, उसको मैंने इज इक्वल टू जीरो कर दिया किरचॉफ सेकंड लॉ लगा के, ये हमारे पास किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है, अब मैं डेल क्यू इनमें से कॉमन ले लेता हूं, डेल क्यू मैंने कॉमन ले लिया, E1 माइनस I1 R1 माइनस E2 माइनस I1 R2 इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से ये उस साइड पे डिवाइड होकर जीरो डिवाइडेड बाय डेल क्यू जीरो हो जाएगा, तो मैं इस चीज को यहां पे लिख देता हूं, E1 माइनस I1 R1 माइनस E2 माइनस I1 R2 इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास आ गया, ये चीज हमारे पास, ये चीज जो हमारे पास आई है ये है मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है, ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ किरचॉफ सेकंड लॉ आ गई। ठीक है, अब मैं इसको रब करता हूं, इसको रब करके अब इसके रिलेटेड दो न्यूमेरिकल कराता हूं, दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो मैं करा दूंगा, अगर वो कर लेंगे आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए, अगर वो कर लेंगे आप लोग तो आप लोग किरचॉफ सेकंड लॉ फुली कर लेंगे। मींस के उसके रिलेटेड जिस किस्म का क्वेश्चन आ जाए, जिस किस्म का, जहां से भी न्यूमेरिकल उठा के दे दे, जहां से भी उठा के पेपर में फेंक दे, जिस जगह से उठा के पेपर में फेंक दे, तो आप वो क्लियर हो जाएगा वो चीज। ये मैं रब करता हूं, रब करके मैं आता हूं न्यूमेरिकल की तरफ, दो न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा उसके बाद छुट्टी कर देंगे आप लोग, छुट्टी हो जाएगी, चले जाइए घर। तो ठीक है, ये मैं रब करता हूँ, वो रब करने के बाद मैं किरचॉफ सेकंड लॉ के न्यूमेरिकल पर आ गया हूं। न्यूमेरिकल नंबर वन है हमारे पास, न्यूमेरिकल नंबर वन, इसके हमें फिगर गिवन है बस, और कुछ गिवन नहीं है। उन्होंने कहा है हमें अप्लाई किरचॉफ लॉ ऑन दिस फिगर, ऑन दिस सर्किट, ऑन दिस फिगर अप्लाई किरचॉफ लॉ, अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ, या किरचॉफ कभी तो सेकंड लॉ का बता देते हैं, कभी नहीं बताते, कभी कहते हैं अप्लाई किरचॉफ लॉ। तो अब आपको कैसे पता चलेगा किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाना है, किरचॉफ सेकंड लॉ लगाना है, ये सर्किट आपको बता रहा है कि हमें वोल्टेज चेंज फाइंड करनी है दोनों में, और हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, करंट आई वन और आई टू कितना होगा।
रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दी गई है, वोल्टेज की वैल्यू दी गई है, हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के हम करंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और कैसे लगाएंगे ये मैं अभी लगा के आपको बताता हूं, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं, यहां पे हम देखेंगे, यहां पे इस सर्किट पे पहले ये लूप वन है, ये हमारे पास लूप टू। पहले मैं लूप वन पे लगाता हूं, लूप वन पे जो हमारे पास लूप वन है उस पे मैं लगाता हूं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यहां पे 5 वोल्ट, माइनस से पास प्लस, माइनस से प्लस जो होगा हमारे पास पॉजिटिव होगा। ई जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, जो उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखी थी, ई माइनस आई वन आर वन माइनस ई टू माइनस आई टू आर टू, ये चीज मैंने लिखी थी, जो यार ये तो ई वन है, तो E1 है, ये E 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट लिखूं ना लिखूं, माइनस यहां पे रेजिस्टेंस है 2 वोल्ट हमें मुझे गिवन, तो माइनस I1 R1 R1 मुझे गिवन है 2 I1, यहां पे नीचे आता हूं 3, यहां पे देखा है ना, यहां पे मैंने ओम ला लगाया है, V is equal IR, वोल्टेज में फाइंड करनी थी, करंट की वैल्यू I1 गिवन थी, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 वोल्ट, ये चीज आ गई। अब नेक्स्ट मैं यहां पे जाता हूं इस चीज पे, माइनस थ्री हो गया, ये जो है ये रेजिस्टेंस जो है ये दोनों साइड पे दोनों लूप में डिवाइड हो रही है, तो इसको कैसे लिखेंगे, दोनों लूप में जब रेजिस्टेंस डिवाइड हो रही होती है तो ये वाली लूप करंट माइनस ये वाले का करंट I1 माइनस I2, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट सर्किट कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई लूप वन की। यहां से मैं इसको सेट कर लेता हूं, थोड़ी कैलकुलेशन कर लेता हूं, सेटिंग कर लेता हूं, थ्री आई वन माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 I2 इज इक्वल टू 0, यहां से I1 दोनों I1 है, 5 माइनस 5 I1 प्लस 3 I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया, ये आप देख लें, ये चीज हमारे पास आ गई, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, ठीक है, 5 माइनस 5 I1 प्लस 3 I2 इज इक्वल टू 0। ये न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूं, अगला न्यूमेरिकल का मैं कंसेप्ट दे दूंगा, मैं कराऊंगा नहीं, अगला न्यूमेरिकल आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है, तीसरा न्यूमेरिकल मैं समझा दूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, इक्वेशन बना दूंगा, इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं करूंगा, इसकी इक्वेशन का सोल्यूशन मैं आपको समझाऊंगा। लूप नंबर 2 है हमारे पास, लूप 2 में अब इस लूप में अब मैं लगाता हूं किरचॉफ वोल्टेज ला इस लूप में लगाता हूं, इस लूप में जब लगाऊंगा तो क्या होगा, सोचिए जरा, वीडियो पास करके सोचिए जरा आप लोग, भाई क्या नाम है, कैसे लगेगा, मैं माइनस से प्लस जा रहा हूं, माइनस से प्लस पॉजिटिव, प्लस से माइनस नेगेटिव, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये तो नेगेटिव होगा ना, माइनस से प्लस से माइनस नेगेटिव होगा, ठीक है। यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, चले मैं यहां से स्टार्ट कर लेता हूं, इस रेजिस्टेंस से, या इस पॉइंट से स्टार्ट कर लेता हूं, वहां उसको उस पॉइंट से स्टार्ट किया था, इसके इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, या इसका यहां से स्टार्ट किया था उसको जहां से स्टार्ट कर लें, लूप में से किसी चीज कहीं से पकड़ लें, माइनस 3 I2 माइनस I1 माइनस 3 I2 माइनस I1 माइनस 7 I2, ये कैसे लिख रहा हूं, ये मैं इस ओम लॉ के फॉर्मूले से लिख रहा हूं, ठीक है, और मैं वहां पे जाता हूं इस पे 10 वोल्ट पे, ठीक है, 10 वोल्ट पे मैं अब जाता हूं जब, तो यहां पे मैं माइनस 10 लिखता हूं इज इक्वल टू 0, यहां से इसको मैं एडजस्ट करता हूं इन इक्वेशन को, माइनस
माइनस थ्री आई टू माइनस थ्री आई वन माइनस सेवन आई टू माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास सेवन और थ्री कितना होता है, टेन। सेवन और थ्री टेन हो गया, माइनस टेन आई टू, उसके बाद माइनस थ्री आई वन माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके हमारे पास इन दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास आई वन आई टू की वैल्यू आ जाएगी। ये मैं रब करता हूं, ये चीज कंपेयर करके आपको एग्जैक्ट आंसर निकाल के देता हूं। एग्जैक्ट आंसर, अब ये इसमें से मैं वैल्यू निकालता हूं आई वन की, इसमें से मैं आई वन की वैल्यू निकालता हूं, ठीक है, और उसमें पुट कर देंगे या दोनों को कंपेयर कर लें जैसे आपको अच्छा लगे, ऊपर नीचे रख के डिवाइड करें जो कटता है काट दें, या उसको मल्टीप्लाई कर दें या इसको मल्टीप्लाई कर दें जो कटता है काट दें, ठीक है। तो मैं इसमें से I1 की वैल्यू निकालता हूं, ये हो गई हमारे पास I1 की वैल्यू। ये वैल्यू जैसे ही मैं इधर पुट करूंगा इसमें हमारे पास I2 की वैल्यू आ जाएगी, फिर I2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके I1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, इसको मैं इस इक्वेशन में अगर पुट करता चलूं तो माइनस टेन, थोड़ा बैठना पड़ेगा यार, माइनस टेन आई टू माइनस थ्री आई वन की वैल्यू, फाइव प्लस थ्री आई टू डिवाइडेड बाय फाइव माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया, अब ये थ्री मल्टीप्लाई होगा फाइव, ये आप इधर उधर करके आई टू की वैल्यू यहां से इजीली आ जाएगी, इजीली आप लोग फाइंड कर लेंगे यहां से, ठीक है। एलसीएम लेना है, सिंपल है, बच्चों वाला खेल है, तो ये आप फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट इसी चीज को, जो ये जो I2 की वैल्यू आएगी इसी चीज को आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इसमें ना करें इसमें कर लें, इजी होगा। इसमें I2 की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे इस जगह पे, इस जगह पे जैसे ही पुट करेंगे तो आपको I1 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, हम सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, ओके, गर्मी बहुत ज्यादा है यार, बहुत ही ज्यादा। ये मैं रैप करता हूं, अब फिगर भी चेंज करनी पड़ेगी, फिगर में चेंजिंग है, फिगर में तीन लूप्स हैं जो हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है, उसमें फिगर में तीन लूप्स हैं, थ्री लूप्स हम एक्सप्लेन करेंगे, थ्री लूप्स वाली फिगर, और उसकी इक्वेशन मैं बना के दे दूंगा जैसे मैंने अभी बना के दे दी है। ये मैंने यहां तक कर लिया है, आगे आप कर लेंगे, ईजी है, बच्चों वाला खेल है, आप कर लेंगे यार, बच्चे नहीं है, ट्वेल्थ क्लास में आ गए तो बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं रहे आप, ठीक है। लास्ट पॉइंट के बिल्कुल लास्ट न्यूमेरिकल नंबर टू पे पहुंच गए हैं, ठीक है। ये हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर टू, आप लोग देख रहे हैं, मैं भी बिल्कुल थक गया हूँ, लेक्चर का लास्ट है ना, थक नहीं गया मैं तो, नॉर्मल हूँ यार। अब ये हमारे पास है रेजिस्टेंस आर वन आर टू, हमारे पास गिवन है, करंट आई वन फ्लो कर रहा है, ये लूप वन है, ये हमारे पास है लूप टू, ये हमारे पास है लूप थ्री, तीन लूप्स हमारे पास गिवन है, लूप वन लूप टू एंड लूप थ्री। सेकंड न्यूमेरिकल में ओनली टू लूप्स में, अब है ओनली थ्री लूप्स। अब थ्री लूप्स का कैसे होगा, सोचिए जरा, दिमाग लगाइए। थ्री लूप्स का मैं आपको इक्वेशन बना के दे देता हूँ, इक्वेशन से सॉल्व करने के तो आप माहिर हैं, माहिर लोग हैं, मायनाज लोग बैठे हैं यहाँ पे लेक्चर ले रहे हैं, तो यहाँ पे ना मायनाज लोग बड़े अच्छे कमाल वाले लोग बैठे हैं,
लेक्चर ले रहे हैं हमारा। तो यहाँ पे लूप वन लूप टू इक्वेशन तो सॉल्व करना इजी है, आप लोग एफएससी से नहीं मैट्रिक से सॉल्व करते आ रहे हैं, मैट्रिक से 8 क्लास से 6 7 से सॉल्व करते आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं ये बार बार क्यों साइन बनाता हूँ, ये चीज मैं कहता हूँ आपको भूलना, माइनस से प्लस, प्लस प्लस से माइनस, माइनस ठीक है। यहां से अब मैं 5 I1 यहां से स्टार्ट कर रहा हूं इस पॉइंट से, इस साइड पे जैसे जैसे करंट फ्लो करता जाएगा। और यहां से ये जो है ना, ये जो रेजिस्टेंस है ये दोनों साइड पे शेयर है, तो प्लस 2 इनटू I1 माइनस I2 ठीक है। यहां से आके यहां से इस साइड में मुड़ाएं तो माइनस 10, माइनस से प्लस प्लस आएगा, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास अब फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं लूप नंबर 1 की इक्वेशन है ये, इसको मैं डायरेक्ट भी लिख दूं ना 7 I1 बेहतर रहेगा, 7 I1 प्लस 2 1 की क्वेश्चन बन गई। अब लूप 2 पे जाते हैं, यहां पे क्या हुआ, धमाका हुआ यार, रोम धमाका हुआ कोई क्या सोच रहे हैं क्या हुआ इस लूप में, क्या हुआ सेकंड लूप में, सेकंड लूप में हमारे पास यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, कहां से स्टार्ट करूं, यहां से बताएं आप लोग स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करता हूं 3 I2 यहां पे जाता हूं, यहां पे जब आता हूं तो प्लस 7 इंटू I2 माइनस I3 जो होगी उस वाले माइनस बाहर वाली। नेक्स्ट यहां पे आता हूं तो प्लस से माइनस है तो माइनस 6 होगा। यहां पे आता हूं आगे प्लस 2 I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। ये आप कैलकुलेशन कर लें, 3 I2 है, 7 I2 है, 2 I2 है, 12 हो गया I2, 12 I2 प्लस और माइनस 7 I3 माइनस 6 प्लस 2 I1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गई लूप सेकंड की क्वेश्चन, सेकंड लूप की क्वेश्चन। गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी है। सेकंड लूप की क्वेश्चन, अब मैं बढ़ता हूं थर्ड लूप की तरफ, ठीक है, लूप थर्ड की तरफ। ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, इसके बाद हम जाने लगे हैं यही है, फिजिक्स दिल लगाया तो फिजिक्स से ही दिल लगाया है ना, पक्का फिजिक्स से दिल लगाया। यहां पे यहां से मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, हर एक एक पॉइंट से स्टार्ट किया मैंने, ऐसे घूमा हूं मैं। यहां पे 2 I3 माइनस से प्लस तो प्लस 3, यहां से मोड़ के यहां पे आया तो प्लस 7 I3 माइनस I2 इक्वल टू 0। I3 ये पड़ा है 7 प्लस 2 कितना हुआ, 7 प्लस 2 कितना हुआ यार, छोटी छोटी क्वेश्चन आप भूल जाते हैं, छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। नाइन आई थ्री प्लस सेवन आई टू प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हुई हमारे पास थर्ड इक्वेशन, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, तीन इक्वेशन नोट कर लें, अच्छे से नोट कर लें, ठीक है, मैं साइड पे हो जाता हूँ, नोट कर लें आप लोग, तीनों इक्वेशन नोट कर लें। तीनों इक्वेशन नोट करने के बाद आप लोग इनको
आपस में कंपेयर करेंगे या इन इसमें से एक की वैल्यू निकाल लेंगे वो इसमें पुट करेंगे, फिर एक की वैल्यू निकलेगी वो इसमें पुट करेंगे उसमें पुट करेंगे, आई वन आई टू आपने आई टू थ्री की वैल्यू फाइंड आउट करके फाइंड करनी है, ये आपका ये आपके असाइनमेंट है। आई वन आई टू आई थ्री की वैल्यू फाइंड आउट करके आपने हमें कमेंट में बताना है कि आई वन की वैल्यू क्या आई है, आई टू की वैल्यू क्या आई है, आई थ्री की वैल्यू क्या आई है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास किरचॉफ लॉ कंप्लीट। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, कंप्लीटली समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो किसी बच्चे भाई कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड, किरचॉफ सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ थर्ड लॉ इसके रिलेटेड किसी बच्चे का भी कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। और एक और बात जो आपको याद रखने की जरूरत है कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों को लेटेस्ट आने वाली हमारी वीडियोस आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ओके, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह वी विल कम विद अ न्यू लेक्चर एंड न्यू टॉपिक एज सून एज पॉसिबल। ओके, बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू।